दक्षिण अफ्रीका की जितनी भी फ्लाइट है वो बैन करते हैं 15-20 दिन महीने के लिए। 30 देश जो 30 देशों ने फ्लाइटें बैन की है वो पागल थोड़ी है, इंडिया से तो समझदार है। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई भारत में ओमिक्रॉन की एंट्री। जी हाँ, मैंने कल की डेट में ही वीडियो बनाया था कि उम्मीद करें कि भारत में ओमिक्रॉन नहीं पहुंचे, लेकिन पहुंच गया जी। और इसमें गलती तो भैया किसकी है, सीधी सीधी है सरकार की गलती हम मानेंगे, क्योंकि लगभग एक ओपिनियन भी आया था कि 50% लोग ये चाहते थे कि फ्लाइटें बैन हो जाए। अब यहाँ पे सोचने की बात यह है, बता दूं इंडिया में कहां कहां ओमिक्रॉन के केस अभी आए हैं, हालांकि उनकी रिपोर्ट नहीं आई है, मैं पहले क्लियर कर दूं, पॉजिटिव आए हैं जो अफ्रीका से लोग ट्रेवल करके इंडिया में पहुंचे थे। 30 देशों में पहुंच चुका है ओमिक्रॉन। जी हां, लगभग 376 पॉजिटिव केस अभी तक इसमें आए हैं। जी हां, अब इसमें बात करेंगे टीका असरदार है या नहीं है, भारत में अब तक कितने लोगों को डोज लग चुका है, क्या स्थिति भारत में हो सकती है आगे चल के, पूरी हम डिटेल से बात करेंगे। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अगर बात करें तो 30 देशों में साथियों कोरोना, ये जो ओमिक्रॉन है ये फैल चुका है। अभी इंडिया में भी भैया इसकी एंट्री हो चुकी है, कर्नाटक में कल की डेट में 2 ऐसे लोग पॉजिटिव आए हैं। जी हाँ, और उनकी वजह से बता दूं एक बंदे ने कम से कम 300 बंदों से मुलाकात कर ली। अब मुझे ये समझ में नहीं आया, आदमी या तो कोई बड़ा वीआईपी था कि यार एक बंदा 300 बंदों से मिल लेता है, 300 बंदे कम नहीं होते भाई। 300 बंदों की जांच, दोबारा उनकी जांच की गई, यानी उनका कोरोना एक तरीके से टेस्ट किया गया, उसमें से 10 लोग पॉजिटिव निकले। जी हाँ, अब उनकी सबकी रिपोर्ट भेज दी गई है, 26 नवंबर का ये मामला है। अब उसकी डिटेल आएगी कि ये कितने लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव हैं या नॉर्मल पॉजिटिव हैं पता लगेगा। जी हाँ, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दक्षिणी अफ्रीका से लौटा था, जी हाँ, एक परिवार, 4 बंदे लौटे थे, हस्बैंड वाइफ और 2 उनके बच्चे, 10 रिश्तेदारों से मिले थे, उनमें से बता दूं 5 रिश्तेदार पॉजिटिव हो गए हैं। जी हाँ, 25 नवंबर की ये घटना है। राजस्थान की बात करें तो कर्नाटक में आपको पता है 2 लोग पॉजिटिव आए थे, 300 लोगों में से 10 लोगों को पॉजिटिव कर दिया। अभी एक पंजाब में भी एक जोड़ा है जो दक्षिण अफ्रीका से आया था, उनकी जांच की गई, पॉजिटिव निकले हैं, हालांकि उनकी रिपोर्ट ये नहीं आई है कि ओमिक्रॉन से पॉजिटिव है या कोरोना से पॉजिटिव है। जी हाँ, अब ये बात हो गई, इंडिया में ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है, नो डाउट। अब धड़ाधड़ी ये बढ़ने लगेगा। अफ्रीका में बात करें तो साथियों 75% जितने भी कल की डेट में अफ्रीका में लगभग 8,500 लोग पॉजिटिव आए थे, उसमें से 75% लोग बता दूं ओमिक्रॉन से वायरस पीड़ित पाए गए हैं। जी हाँ, अब यहाँ पे बात करें कि यार ऐसा क्यों हो सकता है, तो एक अच्छी बात यह है कि इनमें से 95% वो लोग थे जिनके वैक्सीन नहीं लगी थी, यानी जिनके वैक्सीन नहीं लगी है वो लोग ज्यादा असरदार हैं, उनके ज्यादा जल्दी से ये वायरस अटैक करता है, बाकी टीका असरदार बताया गया है। ये एक जांच में निकल के आई है कि टीका असरदार है, जिन लोगों के टीका लगे हैं उनको उन पे ऊपर ये ज्यादा असर नहीं डालता। जी हाँ, ऐसी न्यूज निकल के आ रही है, यानी दोनों डोज ले चुके हैं जो लोग उनके ऊपर ये असर खतरा कम होता है। जी हाँ, अफ्रीका में जो लोग पॉजिटिव हैं 95 उनके टीका नहीं लगाता, क्योंकि आपको पता अफ्रीका में टीका लगे गए हैं भैया, 6-7% आबादी को भी टीके नहीं लगे, तो लगभग लोग ऐसे ही बैठे बिना टीके। दूसरी बात बता दें कि इस जो ओमिक्रॉन है, ये जो नया वायरस है, इसमें मौतें कम है। जी हाँ, एक अच्छी बात यह कि मौत कम हो रही है, लेकिन ये फैलता बड़ी तेजी से है, यानी जो पहले वायरस डेल्टा वगैरह चल रहा था उनसे 6 गुना ज्यादा स्पीड से फैलता है ये, लेकिन मौत है ना वो वही की वही है, ज्यादा नहीं हो पा रही है कि चलो इनसे ज्यादा, ये आंकड़ा अफ्रीका में बढ़ रहे हैं तो मौतें ज्यादा होने लगी, मौतें नॉर्मल है जो पहले से हो रही थी, रोज के 150-200-300 जो भी हो रही थी, लेकिन फैलता जल्दी है, मौत बहुत कम है इससे, तो ये एक मान सकते हैं कि मौत नए के बराबर है इस वायरस से। जी हाँ, इसका एक माइनस पॉइंट ये आ जाता है कि इसका जैसे पहले अपना डेल्टा वगैरह जो गामा कितने प्रकार के जो वायरस निकले थे उनका 14 दिन में पता लग जाता था, लक्षण आ जाते थे, 7 दिन के बाद स्टार्ट हो जाते थे लक्षण आने, लेकिन इनके लक्षण बता दूं 3-4 हफ्ते के बाद में बताए जा रहे हैं कि इनके लक्षण आ रहे हैं। इंडिया में बात करें तो देख लो, कोई 25 नवंबर को आया, कोई 26 नवंबर को आया, फिर 10 दिन के बाद में पता लगा कि ये पॉजिटिव हैं, फिर भी उनका रिपोर्ट में ये नहीं आ पाया कि इनकी ये ओमिक्रॉन है या कैसे हैं, लेकिन एंट्री हो चुकी। बात कर लेते हैं भारत के लिए ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है,
क्योंकि देखिए भारत भाई एक बहुत बड़ा विशाल कंट्री है, अगर 207-8 कंट्रियों में आधी कंट्रियों को मिला लें तो एक भारत बनता है, आप समझ लें इस बात को। और ओमिक्रॉन जैसा खतरनाक वायरस अगर पिछले 2 साल से भी लोग झेल रहे हैं, हम लोग झेल रहे हैं, अब की बार ये आ जाता है तो बात करें कि कितनी बड़ी आबादी है, 1,25,00,000 लोगों को अभी तक डोज लगे हैं। जी हाँ, उनमें से 79 करोड़ यानी एवरेज अगर माने तो 80 करोड़ लोगों को सिंगल डोज लगा है, 46 करोड़ लोगों को 46 करोड़ जी हाँ उनको डबल डोज लगा है, यानी आबादी जो कुल आबादी है उनको 32% लोगों को ही डबल डोज लगे हैं, बाकी 12 करोड़ मास से तो ऐसे हैं कि जिन्होंने एक डोज लगवा ली, बाकी दूसरी डोज की डेट निकल गई, उन्होंने डोज भी नहीं लगवाई, 12 करोड़ लोग तो ऐसे इंडिया में बैठे हैं। 31 देशों में ये वायरस अभी फैल चुका है, 376 केस अभी आ चुके हैं। जी हाँ, कर्नाटक में 2 केस आए हैं, बेंगलुरु में 1 केस आया है, राजस्थान में 5 केस आए हैं, पंजाब में भी पॉजिटिव पाए गए हैं, बाकी इसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आने का इंतजार रहेगा कि ओमिक्रॉन का है क्या मैटर है। जी हाँ, लेकिन स्थिति गंभीर हो सकती है। सरकार की अपने ओपिनियन की बात करें तो भैया एक बार अगर दक्षिण अफ्रीका को बंद करते सरकार फ्लाइटें इंडिया में आनी, दक्षिण अफ्रीका की जितनी भी फ्लाइटें वो बैन करते हैं 15-20 दिन महीने के लिए, 30 देशों ने फ्लाइटें बैन किए वो पागल थोड़ी हैं, इंडिया से तो समझदार हैं, उनका सिक्का भारी है, वो हाई इंडिया से हाई कैटेगरी के हैं, तो सोचने की बात है ना थोड़ा। लेकिन ये सरकार है कि भैया, कल की एक विदेश मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान भी आया था कि अभी लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है, अभी तो आने दो, कंट्रोल में है अभी, तो जब बूम उठेगा बढ़िया तरीके से फैल जाएगा तब फ्लाइटें बैन करेंगे, तब तक आंकड़ा पूरा इंडिया में फैल चुका होगा, फिर क्या है, 2 साल पीछे से घूम रहे हैं, 2 साल आगे निकल जाएंगे, समझ रहे बात को। तो ये स्थिति होने वाली है, हर रोज नए अपडेट आएंगे, चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर रोज नई अपडेट सही तरीके से मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।